आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कर रहे से। तो ये पहले हम क्या करेंगे, z माइनस 4w = 3 आयोटा, इसको हम देंगे इक्वेशन 1। ये आपके पास आएगा 2z + 3w = 11 - 5 आयोटा, ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे कि ये 2z है और ये z है, ये 4w, ये 3w, इनमें से हम z या w को हम बराबर करेंगे। इसको अगर बराबर करते तो इधर 3 मल्टीप्लाई करूंगा 3 4 12 हो जाएगा, इधर अगर बराबर करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। 4 3 कितना होता है 12। और लेकिन ये हमें आसान है, सिर्फ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इसी से मैं करूँगा 2 से। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 या फिर z माइनस 4w = 3 आयोटा और मल्टीप्लाई किया जाएगा ये 2। तो यह आ जाएगा 2z माइनस 2 4 8w = क्या जाएगा 6 आयोटा। ये आपके पास हो गया इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, जो ये भी 2z हो गया, ये भी 2, ये एक जैसे आ गया, इसको अभी मैं क्या सेपरेट करूँगा ताकि ये क्या हो जाए खत्म हो जाए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो आप फ्रॉम के बाद जो चुन लिया, पहला आप लिखे 2z + 3w = 11 - 5 आयो, ये मैंने लिखा। अब ये वाला लिखो 2z - 8w = क्या जाएगा 6 आयोटा। ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस की भी सब सब्ट्रैक्ट करके साइन क्या करते हैं चेंज करते हैं, ये ऐसे हो जाएगा प्लस 8 और प्लस कितना हो जाएगा 11 इक्वल। ये आपके पास इस तरह 11 आ जाएगा और माइनस 6 और माइनस 5 आयोटा और माइनस 6 आयोटा कितना हो जाएगा माइनस 6 और माइनस 11 आयोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 11 आयोटा हो जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, ये 11w इस तरह आ जाएगा, यहाँ से आप 11 कॉमन करें तो आपके पास क्या जाएगा 1 और इधर क्या हो जाएगा आयोटा। अब ये 11 आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि डिवाइड 11 ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 11w इक्वल 11 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे भी 11, ये 11 कैसे हो गया, यहाँ पे 11 ऐसे हो गया। तो डब्ल्यू का आंसर कितना आया 1 - 1 आयोटा। डब्ल्यू का आंसर आ गया, अगर आपने जेड का आंसर फैन करना, ये डब्ल्यू की वैल्यू आप पुट करें पुट डब्ल्यू इक्वल 1 माइनस आयोटा इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दिया गया z माइनस माइनस 4w = 3 आयोटा। तो यह आ जाएगा z माइनस 4w की जगह आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये 3 आयोटा। यह आ जाएगा z माइनस ये 4 1 जा 4, फिर ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इक्वल 3 आयोटा। तो यह z ये आयोटा और ये 4 दोनों इस तरफ चला जाएंगे, माइनस ये माइनस 4 भी उस तरफ जाएगा, ये 4 ये भी इस तरफ जाएगा, तो 4 उस तरफ गया या जाएगा 4 सही, ये 4 आयोटा भी उस तरफ जाएगा यानी माइनस 4 आयोटा और वो पहले से उधर है तो ये 3 आयोटा जाएगा। तो z इक्वल ये 4 आ जाएगा और 4 आयोटा और 3 से कितना हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, यानी आपके पास ये z का आंसर है और ये आपके पास किस चीज का आंसर है डब्ल्यू का। तो वो भी लाजमी शेयर करें।